दोस्तों यदि आपके घर पे या शॉप पे भी इस तरह का कोई शटर लगा हुआ है और वह टाइट चल रहा है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइट शटर को नॉर्मल कैसे करें, इसको जब शटर पुराने हो जाते हैं बहुत समय तक यदि उनको ग्रीस ना किया जाए तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीस किस तरह से लगाना है हमें शटर में। एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जिन लोगों को शटर की जीरो नॉलेज है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, कारीगरों को तो सब कुछ पहले से ही मालूम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीस, और ग्रीस को उंगली में भर के ऐसे शटर की जो ये लाइन है इसके अंदर अंदर दोनों साइड पे लगा देना है। यदि ग्रीस पुराना हो चुका है, यदि अंदर ग्रीस जमा हुआ है पहले से, बहुत जगह पे इस तरह से होता है बाहर से मिट्टी उड़ती है और ये जो ग्रीस है इसके साथ मिट्टी चिपक जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पुराना ग्रीस पहले निकालना पड़ेगा उसके बाद नया ग्रीस लगाना पड़ेगा। पुराना ग्रीस निकालने के लिए आपको लेनी है एक छुरी, तीखा चक्कू। पुराना ग्रीस निकालने के लिए आपको एक छुरी लेनी है, उसकी सहायता से पहले पुराना वाला जो ग्रीस है उसको निकाल देना है, उसके बाद फिर से नया ग्रीस लगाना है। ग्रीस लगाने के बाद आपको यदि गियर वाला शटर है तब तो यहाँ से आप दो बार इसको अप डाउन करें ताकि ग्रीस जो है जहाँ पे नहीं पहुँचा है वहाँ पे भी पहुँच जाए, और यदि विदाउट गियर वाला शटर है तो उसको पकड़ के चार बार अप डाउन करेंगे ताकि जहाँ पे ग्रीस नहीं पहुँचा है वहाँ पे भी ग्रीस पहुँच जाए। ये इतना काम आप खुद से कर सकते हैं, इसके लिए किसी कारीगर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीस का जो पैकेट है वो 80 रुपये का 200 ml का आ जाता है, जो कि आपको एक शटर के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा आपको ग्रीस नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे यदि गियर बॉक्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो यहाँ से इसको खोलेंगे इसके अंदर भी ग्रीस डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर ग्रीस का काम है तो आपको फिर कारीगर को बुलाना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे जो ग्रीस लगा हुआ है ये देखें, यहाँ पे ये लेयर के अंदर यहाँ पे ग्रीस लगा हुआ है, ठीक है, ये आप खुद से लगा सकते हैं। पुराना ग्रीस साफ करें, नया ग्रीस लगाएं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आगे भी आप शटर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।